श्रोताओं नमस्कार। एक और नई कहानी के साथ मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रोताओं कहते हैं कि अनुभव से ज्ञान मिलता है और ज्ञान उम्र के किसी भी मोड़ पर बेकार नहीं होता। यह कहानी कुछ ऐसे ही अनुभव की है। एक बार एक बहुत बड़ा जहाज खराब हो गया। जहाज का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तमाम बड़े बड़े इंजीनियरों ने सुधारने की कोशिश की लेकिन कोई लाभ न हुआ। इंजन को सुधारना तो दूर, कोई उसकी खराबी भी पकड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच किसी ने मालिकों को एक बुजुर्ग का नाम सुझाया। वो इंजीनियर नहीं था, उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं था, लेकिन वो अनुभवी बहुत था। वो अपने समय का जाना माना मैकेनिक था और इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद अब नाती पोतों के साथ समय बिता रहा था। उसे बुलाया गया। जब वह आया तो उसकी दशा देखकर मालिकों को भरोसा ही नहीं हुआ कि वह इतने बड़े और जटिल जहाज के बारे में कुछ जानता भी होगा। पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, सो उन्होंने बुजुर्ग को काम शुरू करने की इजाजत दे दी। बुजुर्ग ने भारी भरकम इंजन का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। उसने हर चीज को टटोल कर देखा। उसने इंजन के पुर्जे नहीं खोले। मालिकों में से दो लोग उसे काम करता देख रहे थे कि आखिर वो करने क्या जा रहा है। बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया। इंजन का निरीक्षण समाप्त करने के बाद उसने अपना औजारों वाला बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी हथौड़ी निकाल ली। दोनों मालिकों की निगाहें उसी पर जमी थी। बुजुर्ग ने उस छोटी हथौड़ी से इंजन पर एक जगह हल्के प्रहार किए और इसी के साथ ही वह घरघराकर चलने लगा। बुजुर्ग ने हथौड़ी वापस बैग में रख ली। उसका काम हो चुका था। एक हफ्ते बाद मालिकों को उसकी तरफ से 10,000 रुपए का बिल मिला। हालांकि इंजन को बड़े बड़े इंजीनियर भी ठीक नहीं कर पाए थे और इस चक्कर में काफी पैसा खर्च हो चुका था, बावजूद इसके उन्हें 10,000 रुपए बहुत ज्यादा लगे। यह इंसानी फितरत ही है जो काम हो जाने के बाद किसी के योगदान को कम आंकने लगती है। उन्हें लगा कि सिर्फ 2-3 हथौड़ी मारने के 10,000 रुपए, यह तो कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। तो उन्होंने उस मैकेनिक को लिखा कि आप डिटेल बिल भेजें जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग चार्ज का विवरण हो। कुछ दिनों बाद उन्हें नया बिल मिला जिसमें बुजुर्ग ने विवरण कुछ इस प्रकार दिया था। पहला, हथौड़ी से चोट करने के मात्र 20 रुपए। दूसरा, यह जानने के लिए कि चोट कहां करनी है उस अनुभव के 9,980 रुपए। तो देखा श्रोताओं, ये अनुभव ही है जो बताता है कि आखिरकार किसी भी काम को कैसे करना है। बड़े इंजीनियर बड़े मैकेनिक फेल हो गए, लेकिन उसने 2 चोट हथौड़े की मार कर उस जहाज को स्टार्ट कर दिया। यानी कि ज्ञान और अनुभव उम्र के किसी भी मोड़ पर हो, कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा आपको लाभ पहुंचाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।